दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। जब से सेंटर में मोदी ने एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मैं लास्ट 20 ईयर से बराबर मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट आ रहा हूं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम एक सबसे मेजर प्रॉब्लम यहां की रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सभी कैपिटल्स तक पहुंचना यह बहुत ही कठिन काम था, कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। आज हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्योंकि हर स्टेट को आज एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। यहां तक कि सिक्किम को भी जहां एयरपोर्ट खुलना बहुत कठिन काम माना जाता था वहां भी एयरपोर्ट खुल गया है। और 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे था। दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। जब से सेंटर में मोदी ने एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मैं लास्ट 20 ईयर से बराबर मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट आ रहा हूं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम एक सबसे मेजर प्रॉब्लम यहां की रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सभी कैपिटल्स तक पहुंचना यह बहुत ही कठिन काम था, कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। आज हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्योंकि हर स्टेट को आज एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। यहां तक कि सिक्किम को भी जहां एयरपोर्ट खुलना बहुत कठिन काम माना जाता था वहां भी एयरपोर्ट खुल गया है। और 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे था। दिल्ली में कांग्रेस का रूल था तो मिजोरम क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टेंस से भी दूर था और हम लोगों के दिल से भी दूर था। जब से सेंटर में मोदी ने एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही तेजी के साथ डेवलपमेंट हुआ है। मैं लास्ट 20 ईयर से बराबर मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट आ रहा हूं। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम एक सबसे मेजर प्रॉब्लम यहां की रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के सभी कैपिटल्स तक पहुंचना यह बहुत ही कठिन काम था, कोई डायरेक्ट रूट नहीं था। आज हर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है क्योंकि हर स्टेट को आज एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। यहां तक कि सिक्किम को भी जहां एयरपोर्ट खुलना बहुत कठिन काम माना जाता था वहां भी एयरपोर्ट खुल गया है। और 2014 में नॉर्थ ईस्ट में केवल 8 एयरपोर्ट और 1 वाटरवे था।